वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रोड शो करेंगे। गुरुवार को वाराणसी आने के बाद पीएम का रोड शो लंका स्थित मैदान मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू होगा। करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे, जहां वे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन करेंगे और साथ ही भव्य गंगा आरती में शामिल होंगे। और इसके बाद दशाश्वमेध के राजेंद्र प्रसाद घाट पर बनाए गए मंच से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के रोड शो और नामांकन की पूरी कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संभाल रखी है। अमित शाह ने बताया कि नामांकन के दौरान पूरा एनडीए काशी में मौजूद रहेगा और इस दौरान पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी सहित अनेक लोग इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी संसदीय सीट से 26 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे एनडीए की ओर से ये शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस रोड शो में पूरा एनडीए शामिल होगा और रोड शो के बाद पीएम की जनसभा का भी आयोजन होने वाला है। पीएम मोदी 26 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले ये मेगा रोड शो। वाराणसी में आज पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये मेगा रोड शो नामांकन से पहले और रोड शो में 7 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अमित शाह ने इस पूरे रोड शो की कमान संभाली है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा एनडीए इस रोड शो में शामिल होगा और रोड शो के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को ये नामांकन दाखिल होगा और उससे पहले ये मेगा रोड शो आज वाराणसी में देखने को मिलेगा, जिसमें पूरा एनडीए मौजूद रहेगा और इस पूरे नामांकन और साथ ही इस पूरे रोड शो की कमान अमित शाह ने संभाली है।